हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गोल्डन फिश डिजिटल सर्विसेज के अंतर्गत जो एपीएस की सर्विस है, स्पेशली इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इसमें एपीएस की जो सर्विस दी गई है, इसके माध्यम से आप आधार विड्रॉवल लगा सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, साथ ही साथ बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि कैसे इसमें एपीएस की सर्विस यूज करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने ऑलरेडी अपना लॉगिन डैशबोर्ड ओपन कर रखा हुआ है। यहाँ पर आप एपीएस सर्विस जब यूज करना चाहेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एपीएस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर एपीएस बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप एपीएस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर साइड में आपको वॉलेट का जो भी अमाउंट है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ पे एपीएस लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप यदि डायरेक्टली एपीएस सर्विस यूज करना चाहते हैं या उस पेज को ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे जो अब रन हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली आप एपीएस पे क्लिक करके भी और इस पेज पर आ सकते हैं। हम एपीएस लॉगिन करेंगे तो उसके लिए हम एपीएस लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एपीएस लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका एपीएस का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और कैश विड्रॉवल और साथ में साथ आप आधार पे का सर्विस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें हम एक मिनिमम अमाउंट एक आपको ट्रांजेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम कैश विड्रॉवल सेलेक्ट कर लेते हैं। कैश विड्रॉवल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी बैंक से हम निकासी करना चाहते हैं उस बैंक को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैंक नेम टाइप करके उस बैंक को सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे और अगले स्टेप में यहाँ पर आधार नंबर टाइप करेंगे। आप जो भी आधार नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे वो ऊपर सेलेक्ट बैंक से लिंक होना अनिवार्य है। उसके बाद हम अगले स्टेप में मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आप कितना अमाउंट निकालना चाहते हैं वह अमाउंट यहाँ पर आप टाइप करेंगे। अमाउंट टाइप करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप इसको चेक मार्क एक्टिव कर देंगे और उसके बाद आपके सिस्टम से जो भी डिवाइस जैसे मोरफो, मंत्रा, स्टार्टेक जो भी कनेक्ट है उस डिवाइस पर आप क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर मंत्रा पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर हम फंड इंप्रेशन अपना कैप्चर करेंगे। यहाँ पर हमारा स्कैनिंग सक्सेसफुली हो चुका है हम इम्प्रेशन और यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन है विड्रॉ हमने लगाया हुआ था 100 रुपये का, यहाँ पे वो सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हमारा हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो अमाउंट बचा हुआ है शेष राशि यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इस प्रकार एपीएस से नकद निकासी कर सकते हैं। हमने कितना अमाउंट यहाँ पर निकाला है वहाँ ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारा ट्रांजेक्शन स्टेटस क्या है सब आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पे हम क्लोज पर क्लिक करेंगे और इसी प्रकार यदि हम मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो हम मिनी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके और यहां पे सिलेक्ट बैंक पे जाएंगे और जो पीछे हमने प्रक्रिया पूरा किया हुआ था उसको पुनः दोहराएंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद फिर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप जब कर लेंगे तो फिर यहाँ पे चेक मार्क एक्टिव करके फिर दोबारा हम मंत्रा पे क्लिक करके ओके करेंगे और थंब इंप्रेशन अपना कैप्चर करेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पे हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो भी मिनी स्टेटमेंट है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आप जूम आउट करके यहाँ पे थोड़ा अच्छे से व्यू में आप करके देख लेंगे। हमारे द्वारा जो भी मिनी स्टेटमेंट देखा गया है यहाँ पे आपको मिनिमम 10 ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम मिनी स्टेटमेंट भी देख लेंगे। यदि आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां से बैलेंस इंक्वायरी को सेलेक्ट करके और बाकी जो भी हमने पीछे प्रक्रिया दोहराया हुआ था वैसे ही आप बैलेंस इंक्वायरी भी कर लेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आधार पे का सर्विस दिया गया है। इसमें आधार पे के सर्विस के माध्यम से भी आप आधार से नकद निकासी कर सकते हैं किसी भी बैंक से। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। इसमें खुद आप कुछ अमाउंट जितना अमाउंट आप निकालेंगे उसके हिसाब से आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। जैसे कैश विड्रॉवल में आप जब अमाउंट ट्रांजेक्ट करेंगे तो इसमें आपको कमीशन मिलता है लेकिन इसमें आपको कमीशन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आप इसके माध्यम से अगर निकालना चाहेंगे तो जो सेम प्रोसेस हमने जब कैश विड्रॉवल में किया हुआ था वही प्रक्रिया आप आधार पे में भी दोहराएंगे और इस प्रकार अपना नकद निकासी कर सकते हैं। हमने जो भी अमाउंट विड्रॉ किया हुआ था आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं वॉलेट बैलेंस में यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आप यदि जो भी अमाउंट आप जब अपने वॉलेट में विड्रॉ कर लेंगे तो आपके वॉलेट में तो आ जाएगा। यदि आप उसको बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर मूव टू बैंक जस्ट नीचे दिया गया है
आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मूव टू बैंक पर क्लिक करेंगे, इसमें आपका APS पेमेंट रिक्वेस्ट का जो सेटलमेंट है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी बैंक में लगाना चाहते हैं सेटलमेंट, आप यहाँ से सेटलमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका बैंक है उस बैंक को आप सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सिलेक्शन करने के बाद पेमेंट मोड में नेफ्ट रहेगा या IMPS रहेगा, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें नेफ्ट अगर करते हैं तो ये बैंकिंग आवर में होता है, और ये जब भी आप करेंगे इसमें 1 घंटे 1.5 घंटे का समय लगता है। यदि आप IMPS करते हैं तो उसमें आपका इंस्टेंटली अमाउंट ट्रांजेक्ट हो जाता है आपके अकाउंट में। तो आप कभी जब भी करें तो IMPS ही सेलेक्ट करें। कितना अमाउंट आप ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं उस अमाउंट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देंगे। आप जब 100 रुपये का अमाउंट ट्रांजेक्ट करेंगे या फिर सेटलमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 रुपये का चार्ज देना होगा, और आपका जो बाकी 95 रुपये है वो आपके अमाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको MPIN पूछा जाएगा। तो जो भी आपका MPIN है उस MPIN को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। MPIN टाइप करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सेटलमेंट है या पेमेंट रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, और यहाँ से डेबिट होकर के आपके जो भी अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था उस अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन हिट करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।